हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू और ग्रामीण विकास पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का, क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले हैं। वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है, बेरोजगारी से बचने वाला है। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए ये भारत माता की सेवा, गरीबों की भी सेवा है। मैं विश्वास करता हूं जिन 9 लोगों को मैंने आज निमंत्रित किया है, वे जरूर इस काम को करेंगे। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करें, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, आप भी इस प्रकार का एक सफाई का काम करके उसका वीडियो अपलोड करके और 9 लोगों को आप निमंत्रित कीजिए। अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। दुकान ऐसी जिसका सारा जहां सम्मान करे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस पद यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये यात्रा, सभी लोग इसमें शामिल हों, एक के पीछे एक पहले बच्चों को स्थान दें। सभी अधिकारीगण बच्चों को व्यवस्थित करें और उसके लिए होकर सुनहरी बाग रोड, 30 जनवरी रोड, उसके बाद औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड और उसके बाद ये महायात्रा प्रधानमंत्री जी के देशवासियों के साथ हैं, देश के साथ हैं।